हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धर्म ज्ञान के मार्ग में। सावन माह में सपने में सांप को देखना या कभी भी सांप को देखना या मारना, काटना, सांप को कैसी स्थिति में देखना, यानी कि वो कैसा सांप देखना शुभ होता है और कैसा देखना अशुभ होता है, सभी जानकारी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए धर्म ज्ञान के मार्ग को, और ऐसे ही वीडियो देखते रहिए। दोस्तों, इंसान आम तौर पर सपने देखता है, साथ ही कुछ सपने देखकर इंसान भय का अनुभव करता है तो कुछ सपने देखकर इंसान भयभीत हो जाता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है जो सपना आपने देखा उसका असल ज़िंदगी में वही मतलब हो। वहीं कुछ सपने ऐसे भी होते हैं जो भविष्य में होने वाली किसी दुर्घटना की ओर इशारा करते हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि सपने में सांप देखने के बारे में अधिकतर लोगों को सपने में सांप दिखाई देते हैं। किसी को सपने में सांप फन उठाए दिखाई देते हैं तो किसी को डसते हुए, किसी को कभी किसी रंग के सांप दिखाई देते हैं तो कभी मारते हुए। हर स्थिति की बातें हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो में आप लोग बने रहिए कि कैसा सांप देखना हमें कैसा फल देता है। तो इसे शुरू से लेकर के अंत तक आप लोग अवश्य देखिएगा, जिससे कि सारी बातें समझ में आ जाए। दोस्तों, स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में अगर आप कोई सांप को मारते हैं, यानी कि मारते हुए देखते हैं, तो बेहद शुभ माना जाता है। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में आपकी कोई बड़ी बाधा दूर होने वाली है, साथ ही शत्रुओं पर आपको विजय मिलने वाली है, या आपको कोई ज़रूरी काम रुका हुआ था वो बनने वाला है। अब हम जानते हैं दूसरा, एक साथ यानी कि बहुत सारे सांप को देखना। अगर सपने में आप एक साथ कई सारे सांप को देखते हैं तो यह एक अशुभ संकेत है। इसका मतलब है कि आपको कोई अशुभ सूचना मिल सकती है या आपको कोई परेशानी घेर सकती है, साथ ही आपको धन की भी हानि हो सकती है, ऐसा माना जाता है स्वप्न शास्त्र के अनुसार। दोस्तों, स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर सपने में आपको कोई सांप काट लेता है तो इसका मतलब है कि कोई गंभीर बीमारी हो सकती है। वहीं अगर आप सपने में सांप आपका पीछा कर रहा हो तो इसका असल ज़िंदगी में मतलब है कि आपको किसी बड़ी परेशानी से मुक्ति मिलने वाली है और कोई योजना सफल हो सकती है। दोस्तों, सपने में सफ़ेद और काले रंग का सांप देखना कैसा होता है? अगर आप अपने सपने में सांप को देखते हैं, यानी कि अपने सपने में अगर सफ़ेद सांप को देखते हैं, तो यह भी एक बेहद शुभ संकेत माना जाता है। इसका मतलब है कि आपकी मुराद पूरी हो सकती है, साथ ही आपको आर्थिक लाभ भी हो सकता है या फंसा हुआ धन प्राप्त हो सकता है। वहीं अगर आप व्यापार करते हैं तो आपको अच्छा धन लाभ भी हो सकता है। सपने में अगर काला सांप दिखाई दे तो इसका मतलब है कि आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपका धन बढ़ेगा। अगर सपने में काला सांप देखते हैं तो सफ़ेद और काले दोनों ही देखना यानी कि अति उत्तम शुभ माना जाता है। दोस्तों, सफ़ेद रंग के सांप हम मतलब कि सपने में जल्द दिखते नहीं हैं, लेकिन जिसे दिख जाएं वो तो मालामाल हो ही जाता है। दोस्तों, यदि सपने में सांप पीछा करता, पानी में तैरता या फिर हाथ पैरों में लिपटा दिखाई दे तो हो सकता है कि आप काल सर्प दोष से पीड़ित हो सकते हैं। ऐसे में आपको अपनी कुंडली दिखवा लेनी चाहिए। इसी के साथ यदि सांप के लगातार सपने आ रहे हैं और सपने में आपको सांप डस रहा हो या सपने में आप सांपों की लड़ाई देखते हैं तो इस प्रकार के सपने भी काल सर्प होने का संकेत होता है। तो ऐसे माना जाता है दोस्तों कि कुंडली में काल सर्प दोष जो होता है, काल सर्प दोष होने के कारण ही ऐसा सपना हमें आता है। तो हमें अपनी कुंडली को किसी अच्छे ब्राह्मण से ज़रूर दिखाना चाहिए कि काल सर्प अगर दोष है तो उसका निवारण भी होता है, तो उसका निवारण अवश्य ही हमें कर लेना चाहिए। दोस्तों, सपने में सांप का काटना, अगर सपने में आपको सांप देख रहे हैं कि सांप काट लिया या काट रहा है, तो अगर सपने में आपको सांप काटता हुआ दिखाई दे तो भविष्य में आपको गंभीर बीमारी हो सकती है। लेकिन अगर सांप काटने में असफल रहे तो ये सपना शुभ हो सकते हैं।
स्वप्न शास्त्र के अनुसार। इसका मतलब है कि आप किसी काम में जीत हासिल करेंगे। यानी कि कैसे, अब हम समझेंगे इसको। अगर सपने में आपको सांप काटता हुआ दिखे, मान लीजिए कि काट लिया, आप देख लिए हैं कि काट लिया, तो ये भविष्य में आपको गंभीर बीमारी दे सकता है या कोई भी समस्या खड़ी कर सकता है। लेकिन अगर सांप काटने में असफल हो गया, यानी कि झपटा और काटा नहीं, आप बच गए, तो ये एक शुभ संकेत माना जाता है। इसका मतलब है कि आप किसी काम में जीत हासिल करने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप सपने में किसी मंदिर के अंदर सांप देखते हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी कोई मनोकामना पूर्ण होने वाली है। यदि शिवलिंग पर आसपास लिपटे देखते हैं, तो इसका अर्थ है कि आप पर शिव जी की कृपा रहेगी। ऐसे लोगों को हर काम में सफलता प्राप्त होने का आसार, यानी कि आसार रहता है। तो ऐसा सपना अगर आपको आता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा करके आप भगवान शिव की पूजा करें, अवश्य ज़्यादा से ज़्यादा विशेष ध्यान लगा दें। अगर शिवलिंग पर लिपटा हुआ सांप दिखता है, या भगवान शिव के प्रतिमा के आसपास फोटो में दिखता है, या मंदिर में, शिव मंदिर में आपको अगर सांप दिखता है, तो ये बहुत ही उत्तम, अति उत्तम स्वप्न होता है। दोस्तों, ऐसा स्वप्न सब किसी को नहीं मिलता है और नहीं आता है। दोस्तों, यदि सपने में आप सांप को किसी पेड़ पर चढ़ता हुआ देखते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको अटका हुआ पैसा मिल सकता है। सपने में सफ़ेद सांप को चढ़ाई करते देखना या कहीं बैठे देखना भी शुभ संकेत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि कहीं पर भी सफ़ेद सांप देखना हमें शुभ होता है। अगर किसी व्यक्ति को सपने में मरा हुआ सांप दिखाई देता है, तो ये अच्छा संकेत नहीं है। यदि सपने में आप नाग नागिन का जोड़ा देखते हैं, तो ये भी बुरा संकेत माना जाता है। सांप नेवले की लड़ाई देखना कानूनी लफड़ों में फंसने का इशारा करता है। यदि सपने में सांप पेड़ से उतरता हुआ दिखाई दे, तो ये सपना धन हानि का संकेत देता है। ऐसा स्वप्न शास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है। दोस्तों, स्वप्न शास्त्र के अनुसार ये भी माना जाता है कि गरीब हो या अमीर हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन सांप को कहीं ऊपर चढ़ते हुए देखना ये बहुत शुभ होता है। इसलिए कि जैसे जैसे ऊपर चढ़ता है, अगर हम स्वप्न में देखते हैं, उसी प्रकार से हमारा भी काम ऊपर जाता है। अगर कोई भी काम हम करते हैं, तो ऊपर चढ़ते हैं, जैसे कि चढ़ते हुए स्वप्न का बात है ये। तो ये थी सभी बातें स्वप्न की। दोस्तों, अगर कुछ डाउट रह गया होगा, आप लोगों को कुछ पूछना है, तो कमेंट में पूछ सकते हैं, तो मैं इसका रिप्लाई अवश्य ही आप लोगों को बहुत जल्द दे दूँगी। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब खुश रहिए, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ ज़रूर लिखिएगा। भोलेनाथ सबके साथ।